जलगांव, जलगांव से हॉपिंग होगा नासिक में और फिर मुंबई जाएगा, ऐसा हो सकता है आपका एयर डेक्कन कर सकता। जलगांव से नासिक बहुत छोटा फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये छोटा फ्लाइट ये क्या है, मैंने आपको जैसे समझाया कि ये फ्लाइट का कुछ कॉस्ट होता है, अभी ये शॉर्ट सेक्टर चलाना इट इज़ नॉट वायबल। और मेरे हिसाब से जिगर कितना है अपना ये, और फेयर से ज़्यादा भी दूसरा इसमें क्या है कि जलगांव बॉम्बे जो है वो उड़ान फेयर है, और तो वो टेक्निकलिटी वाइज भी मैं अगर जलगांव से नासिक करता हूँ तो वापस पैसेंजर को क्या फेयर दूंगा। अच्छा। वो देर आर बहुत सारी टेक्निकलिटीज उसमें इन्वॉल्व है। जलगांव बॉम्बे, बॉम्बे से जलगांव इज उड़ान फ्लाइट, और अभी वो उड़ान में वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं लोगों को एक फेयर, वरना वो आदमी जब उधर नासिक आएगा तो उसको वापस उतरना पड़ेगा, वापस बाहर जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल वो सब भी हर्डल्स है उसमें। डॉलर का, डॉलर का जो कीमत है वो अभी बढ़ गया है 2 रुपए की, तो फ्यूल का जो इशू है उससे आप कैसे फेस करते हैं? फ्यूल, जैसे फ्यूल जो है, जो आप फ्यूल की बात करोगे, फ्यूल उड़ान के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूल इज टेकन केयर, तो फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फ्यूल बढ़ेगा तो सब्सिडी, हमारा जो वायबल गैप फंडिंग है वो बढ़ जाता है। अभी दूसरा है कि जैसा ये फ्यूल इज बीन कम डाउन, अभी 2 दिन में आप देखा होगा फ्यूल काफ़ी डाउन होना शुरू हुआ है, डॉलर भी जो 70 हो चुका है वो मैं तो अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 66 के पास आ जाएगा वापस। सो ये टेम्पररी फेज होता है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो अपना ट्रैवल एजेंसी जो है उनका रोल अभी आपको क्या लगता है कि ट्रैवल एजेंट्स, हाँ ट्रैवल एजेंसी और मेक माई ट्रिप जैसे जो, हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में आपका क्या? मेक माई ट्रिप जैसे पोर्टल्स जो है उनसे हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। मेक माई ट्रिप से कम 30% जैसे हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है अभी, हाँ 30% हमारा बुकिंग बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द मेक माई ट्रिप, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेक माई ट्रिप आएगा, यात्रा आएगा, जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, हम ग्लोबल के साथ भी बात हो रहा है तो पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। उनका क्या एग्जिस्टिंग एक पूरा बेस है तो डेफिनेटली सीधा रीच हजारों लाखों लोगों में एक साथ चला जाता है, उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा और पड़ रहा है। और एयर डेक्कन नासिक महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ पर रहता है? एयर डेक्कन अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, अभी हमारा कलकत्ता में शुरू हो रहा है, अभी हमारा दिल्ली शुरू हो रहा है एंड अभी गुजरात शुरू हो रहा है। गुजरात में तो आपका उड़ीसा, हाँ बट अभी मैंने आपको बताया जो मर्ज कर रहे हैं तो सब कुछ डेक्कन के अंदर हो जाएगा। मुंबई जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ाना है, कोई पैसेंजर्स को आप कोई स्कीम में ला रहे हैं? मैं अभी आपको बताऊं कि एक ये जो जेट प्रिविलेज प्रोग्राम बोलते हैं, हाँ। वो खाली जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियां जो हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट करती है उनके लिए फिजिबल होते हैं। आप देखेंगे ये जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स बोलते हैं उसको, वो इवन इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनका कॉस्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, इट्स अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव थिंग। तो हमारे लिए जैसे शैशव भाई ने पहले बोला, हम लोग लो कॉस्ट नहीं, हम लोग अल्ट्रा लो कॉस्ट है, तो हमारे लिए ये सब पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। और हफ्ते में फ्राइडे और मंडे ज़्यादा क्राउड रहता है, तो उसके हिसाब से आप मंडे नहीं रहते, मंडे तो हमारा ऑपरेशन ही, मंडे हमारा ऑपरेशन बंद है। अच्छा नहीं, लेकिन मंडे जाने के लिए ज़्यादा क्राउड रहता है, वो पंचवटी एक्सप्रेस या प्राइवेट कार से जाते हैं, राइट, तो उसके लिए कुछ है क्या आपके? हम लोग जब भी हमारा ये गुजरात से जो ऑपरेशन शुरू होगा तो उसी हिसाब से अभी हमारा महाराष्ट्र का शायद जो मंडे हमने क्लोज रखा था, गुजरात में हमने संडे बंद रखा है, सो ऑब्वियसली वो हम लोग रिव्यू करेंगे बिकॉज मंडे और फ्राइडे ऑब्वियसली इट्स अ ग्लोबल पैटर्न के वहाँ पे मंडे को ज़्यादा लोग काम पे जाते हैं और फ्राइडे को वापस आते हैं, तो वो एक पैटर्न है, तो हम लोग डेफिनेटली कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ध्यान में रखा जाएगा। मगर हमारे लिए बड़ा चैलेंज वो होता है मेंटेनेंस रखना, तो मेंटेनेंस के लिए कौन सा एक दिन खाली रखना वो भी हमारे लिए चैलेंज है, तो वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं अभी। और जैसे मैंने आपको बताया हम अहमदाबाद को बेस बना रहे हैं, सो नाइट पार्किंग हमारा अहमदाबाद में हो जाएगा, सो बहुत जल्दी इसीलिए हम नासिक से अहमदाबाद की कनेक्टिविटी भी दे देंगे, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। हाँ। वो भी एज अ सर MD आप अभी एयर डेक्कन का चार्ज लिए हैं, तो आप क्या संदेश पब्लिक में देंगे, क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने बताया आपको जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो आई विल मेक श्योर कि हम उसको रियल में एक स्वरूप दे पाए और वो उससे पूरी जनता को बेनिफिट हो, जो उनका रियल विजन है कि भाई उड़े देश का आम नागरिक, तो रियली जो आम नागरिक को जो फ्लाई कर सकते हैं वो मुझे, मैं भी खुद देखना चाहता हूँ कि भाई जो हवाई चप्पल वाले जो लोग हैं वो ट्रैवल करने चाहिए इसके अंदर। डेक्कन जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपका जो
विजन था ये एयर डेक्कन को कैसे आगे लेके जाना, तो अभी तक वो कैसे सफल हुआ, आप क्या बताएंगे उसके? अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जैसे हमने इतने शॉर्ट टाइम में महाराष्ट्र कनेक्ट किया, गुजरात कनेक्ट किया, भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा कनेक्ट किया, छत्तीसगढ़ कनेक्ट किया, कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट किया, इतने शॉर्ट टाइम में इतने कनेक्ट करना बहुत मुश्किल वाला होता है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो हम पार कर रहे हैं। जैसे बनर्जी जी ने बताया था कि भाई कोई भी पहली कंपनी इनिशिएटिव लेती है तो कुछ हर्डल्स आती है, वो हम फेस करते हैं, हम उसको पार भी करते हैं और सस्टेन भी होते हैं और आगे भी होएंगे।